झज्जर के गांव खानपुर खुर्द के सैनिक बलजीत द्वारा 11 मार्च को बरेली यूपी में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने के बाद जब उसका शव झज्जर पहुंचा तो उसके परिजनों ने उसकी मौत को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए। बता दें, सैनिक का शव लेकर फोर्ट से ही एक सूबेदार रैंक के अधिकारी शव को लेकर आए थे। शव के साथ उसकी पत्नी भी बरेली से आई थी, लेकिन जैसे ही शव झज्जर पहुंचा तो मृतक के परिजन शव का दोबारा से पोस्टमार्टम कराने के लिए उसे नागरिक अस्पताल ले गए। बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि मैं उधर भी FIR दर्ज कराने के लिए गया था। लोगों ने भी बताया था, आसपास के पड़ोसियों ने ये बोला था, तेरा भाई का न्याय करवाना, ये मर्डर किया हुआ है, एक प्लानिंग मर्डर है, तेरा भाई सुसाइड नहीं किया है। हमने उसकी कोशिश करी उधर, नहीं तो यूपी पुलिस ने हमारा सहयोग दिया, वो कभी चौकी में भेज देती, कभी थाने में। इधर आके हमने अपने थाने के अंदर भी किया, उन्हें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने 100 नंबर पर भी फ़ोन किया, उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद उनने बोला भाई, मैंने बोला मेरे गांव में इसके ससुराल वालों का प्रभु तो ज़्यादा है, होगा वो इसको दाह संस्कार के लिए तैयार है। उनने बोल दिया भाई, याद अगर उतर जाता है तो अपने हॉस्पिटल में ले जाओ, हॉस्पिटल में जाके अपनी कार्रवाई कर लेना, सरकारी अपना जज्जर हॉस्पिटल है उसके अंदर। तो जैसे ही मैं जज्जर हॉस्पिटल के अंदर इसको ले गया, उसके बाद कोई पुलिस प्रशासन नहीं आया इधर, बोले हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। रक्षा की जगह हमारे को मार मार के डंडे और भगा दिया। अभी सुबह से हम भूखे थे, शायद 3 दिन से बैठे हैं इसके साथ है। मरना मैं फौजी हूँ खुद भी, 15 साल मैंने फौज में नौकरी की, मैंने फौजी का भी मेरा है, मैं CID के अंदर सर्विस करता हूँ। अगर भी मैं किस मुँह से मैं CID की नौकरी करूँ, जब मैं अपने भाई को न्याय नहीं दिला सकता, क्या मैं CID में आम जनता को खाक न्याय दिलाऊंगा? बताओ आप, पोस्टमार्टम मेरे साथ ऐसा हो रहा, एक मुलाजम होते हुए एक और उसके साथ ये व्यवहार हो रहा था, नहीं बताओ मेरे भाई का, तो आम जनता कहाँ सुरक्षित है? मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली तो मृतक के परिजनों ने शव का दोबारा से पोस्टमार्टम कराने की मांग रखी। इसके लिए बकायदा ड्यूटी मैजिस्ट्रेट भी लगाया गया था, लेकिन काफी देर के गहन मंथन व लीगल ओपिनियन दिए जाने के बाद जब पुलिस ने मृतक जवान के शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया तो परिजन भड़क गए। उन्होंने नागरिक अस्पताल में ही जमकर बवाल मचाया। मृतक की बहन व परिवार के अन्य लोग सेना की गाड़ी की खिड़की पर चढ़ गए और शव को बगैर पोस्टमार्टम कराए ले जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद मृतक के शव को लेकर सेना की गाड़ी को वहां से रवाना किया। खानपुर खोड़िया गांव पड़ता है सालावास थाने में, वहां का एक जवान आर्मी में बरेली सेना में नौकरी कर रहा था जी। और उसकी परसों जो ना डेथ होगी वहां आर्मी हेडक्वार्टर पे जी। वहां आर्मी के अधिकारियों ने उसका पोस्टमार्टम करा दिया, उसकी बीवी वहाँ थी, उसके परिवार के आदमी भी उन्होंने वहाँ बुला लिए थे जी। और वहाँ पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी 2-3 फौजी आए थे, उसको ले गए एम्बुलेंस में जी। और परिवार के हवाले कर रहे थे, परिवार वाले थोड़ा आनाकानी कर रहे थे, वो कानून के बारे में कम जानकारी थी उनको जी। उन्होंने कहा हम यहाँ दोबारा पोस्टमार्टम कराएंगे जी। हमने बता दिया भाई SDM साहब इसकी परमिशन दे सकते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में बात आती है। तो SDM साहब के से लोग मिले थे, उसके बाद जो है ना ये बात हुई है क्लियर है भाई यहाँ दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हो सकता इसका जी। तो बॉडी उसकी घरवाली उसको लेके चली गई है दाह संस्कार के लिए परिवार में ले गई। बता दें, गांव खानपुर खुर्द का 40 वर्षीय बलजीत 2003 में सेना में भर्ती हुआ था और इन दिनों वो बरेली में EME में बतौर सिपाही पद पर तैनात था। बलजीत ने अज्ञात कारणों के चलते 11 मार्च को बरेली में ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि बरेली में ही उसके शव का सेना द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा चुका था, लेकिन मृतक के परिजनों ने बलजीत की हत्या किए जाने का आरोप उसकी पत्नी पर लगाया था और उसके शव का दोबारा से पोस्टमार्टम कराए जाने की जिद पर अड़े हुए थे। इस दौरान स्थानीय CT पुलिस के प्रभारी द्वारा भी मृतक के परिजनों के साथ अभद्रता किए जाने का आरोप लगाया गया है। हिंद एक्सप्रेस के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।